आपने सुना होगा ऐसे एग्जांपल, जैसे मैं 3-4 दिन से आया हूँ तो सुन रहा हूँ कि यहाँ से लैंग्वेज से पढ़े लोग जा रहे हैं दूर दूर, विदेश भी जाते हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज JNU में मिलना आम बात है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या बोलें, थोड़ा मुश्किल सवाल हो गया, लेकिन लाल साहब को लाल सलाम चलेगा कि नहीं? नहीं, लाल सलाम नहीं चलेगा। CUET में कितना नंबर आया तो हमको JNU मिल गया, उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस लिमिटेड रिसोर्स के साथ रहिए और कंटिन्यू रहिए, मतलब उसके अराउंड ही रहिए। तो आप जब JNU में एडमिशन लिए, लोग बोलते हैं BHU की फ़ीस बहुत कम है, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि JNU की फ़ीस उससे भी कम है, तो क्या है फ़ीस यहाँ पे JNU में जब आपने पहली बार एडमिशन लिया BA कोरियन लैंग्वेज में? लगे 268 रुपये था, और बाकी तो मेस का अलग से लगता है, वो महीने भर का हो जाता है, वो वैरी करता है हॉस्टल टू हॉस्टल। दिमाग में कहाँ से आया कि हम कोरियन पढ़ेंगे? 12th आपका किस सब्जेक्ट से था? तो क्लासेस का क्या हाल है यहाँ JNU में? क्लासेस लोग लेते हैं बढ़िया से, प्रोफेसर पढ़ाते हैं? तो घर में दिमाग है और पढ़ा दिया, अपना सिलेबस ख़त्म कर दिया और चल गए। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि CUET की तैयारी अगर कोई कर रहा है तो लाल साहब और जीवन मिलकर के उसे क्या गाइडेंस देंगे कि उसका CUET निकल जाएगा? वीडियो स्टार्ट होने से पहले यहीं पे खड़े होकर के कुछ तस्वीर ले रहे थे। ये कौन सी फैकल्टी है, मतलब क्या बिल्डिंग है? स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज़, ये नंबर 2 बिल्डिंग है और उधर वन बिल्डिंग है। तो हम ये दो बिल्डिंग के सामने आमने सामने बीच में बैठे हुए हैं और हम हैं अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। हंस दे रहे हैं यार आप, JNU का महाप्रसिद्ध महाप्रसिद्ध विश्व स्तर में JNU में हम बैठे हैं, JNU कैंपस में, और हमें कुछ लड़के मिले हैं जो यहाँ से BA लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे हैं, और लैंग्वेज का कोर्स JNU में बहुत ज़्यादा, मतलब ये भी प्रसिद्ध माना जाता है, पूरे इंडिया लेवल पे सबसे बेस्ट कहीं लैंग्वेज की पढ़ाई होती है तो वो JNU में होती है, और द स्टूडेंट लाइफ JNU आ चुका है। आप लोग पहले से जानते थे? हाँ, जब मतलब प्रोसेस में थे एग्ज़ाम के दौरान, उसके बाद भी भर्ती चल रहा था तब, हाँ वीडियो मतलब रेगुलर बेसिस से मैं देखते थे आपका जो डिटेल्स है ना, हॉस्टल में लेकर सेंटर से लेकर खाना से लेकर सारा कुछ मतलब फॉलो किया जाता था, क्वेरी भी भेजते थे। क्वेरी भेजते थे, हाँ। अभी तक क्या कमेंट ऐसा भेजा आपने? मतलब वही, मतलब मेरा सिचुएशन ये था कि हिंदू कॉलेज में मिल गया था तो इधर भी हो गया था, उधर भी, तो कंफ्यूज थे, तो इसके लिए पूछ रहा था। दरअसल मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि जिन लड़कों को JNU मिलता है उनको DU भी मिल रहा होता है, उनको BHU भी मिल रहा होता है, और साथ ही साथ वो तमाम विश्वविद्यालय मिल रहे होते हैं जो लोगों के सपने में आया करते हैं ना, सभी चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपका नाम क्या है? जीवन। जीवन, वाह कितना बढ़िया नाम है, किसने रखा ये जीवन नाम आपका? शायद मेरे दादाजी ने, मतलब घर वाले थे ही कहते हैं दादाजी ने। कितना अच्छा नाम है, कहाँ से हैं आप जीवन? बंगाल से। और आपका नाम? मेरा नाम लाल साहब। लाल साहब जी, लाल साहब को लाल सलाम चलेगा कि नहीं? नहीं, लाल सलाम नहीं चलेगा, नाम लाल साहब है। लाल साहब है, लाल सलाम नहीं चलेगा तो और क्या चलेगा? साहब साहब। तो लाल साहब कहाँ से हैं आप? मैं बिहार खगड़िया से। बिहार, हाँ। और भी लोग यहाँ JNU में दिल्ली में बिहार में मिलते हैं कि बिहार से लोग भी आए हैं JNU पढ़ने? आपको दोस्त मिले? आपको 70% बिहार के बच्चे यहाँ मिल जाएंगे JNU। वाह, मतलब BHU का भी यही हाल है, JNU का भी यही हाल है जी। आप सर्वे कर सकते हैं यहाँ। सर्वे कर सकते हैं, हाँ। तो आप बिहार से हैं जी, JNU में किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं BA फर्स्ट ईयर कोरियन लैंग्वेज से कर रहा हूँ। कोरियन लैंग्वेज, हाँ। आप? मैं भी कोरियन लैंग्वेज से स्नातक कर रहा हूँ। कोरियन लैंग्वेज, तो आप लोगों ने 12th पास किया जब, अभी किस मतलब किस ईयर में आपने 12th पास किया बताइए? मेरा तो इसी साल था, गैप नहीं हुआ? नहीं, मेरा आपका? मैं 2022 में पास हुआ। 22 में पास हुए हैं, हाँ। एक साल का गैप हुआ क्या? गैप हुआ, तो पिछले साल CUET में अच्छा नंबर नहीं आया था। CUET में अच्छा नंबर नहीं आया था इसलिए, और दूसरी बार इतना अच्छा नंबर आ गया कि JNU मिल गया। JNU भी मिला, BHU में भी मिल गया था, फर्स्ट प्रेफरेंस में साइकोलॉजी था, उसके बाद इकोनॉमिक्स मिला था तो उसको ड्रॉप करके JNU आ गए। वाओ, लाल साहब की एक अलग स्टोरी है, हम मालूम करने की कोशिश करेंगे CUET में कितना नंबर आया तो हमको JNU मिल गया। हमको लैंग्वेज में 195 था, लैंग्वेज GT में 195 था, GT में, हाँ। और उसके बाद लैंग्वेज में 133 था। अच्छा, आपका सर? मेरा तो लैंग्वेज में 200 में 200 था और उसमें 210 था GT में 210, हाँ। तो ओवरऑल यहाँ लैंग्वेज और GT को ही एलिजिबिलिटी माना जाता है, हाँ। और कुछ तो नहीं है ऐसा? नहीं, नहीं, और कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज और GT। लैंग्वेज में इंग्लिश कंपलसरी है। तो हम इनसे पूछने चाहेंगे, कपिल जी,
थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। कैमरामैन कपिल है हमारे पीछे, बहुत ही चर्चित चेहरे हैं जेएनयू के। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सीयूईटी की तैयारी अगर कोई कर रहा है तो लाल साहब और जीवन मिलकर के उसे क्या गाइडेंस देंगे कि उसका सीयूईटी निकल जाएगा? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब आप अगर जीटी और इसको लैंग्वेज को देखें, इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है। आप अगर देखें वन डे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं एसएससी का जो भी, मतलब उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस लिमिटेड रिसोर्स के साथ रहिए और कंटिन्यू रहिए, मतलब उसके अराउंड ही रहिए। कि देखिए आप क्वांट्स पढ़ रहे हैं, उसके बहुत टाइप का क्वांट्स होते हैं ना, तो ऐसा करिए कि अपने रूटीन को ऐसे सेट कर लीजिए कि हर टाइप का डेली आपके, मतलब आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं हर एक टाइप का क्वेश्चन डेली आता रहे, तो उसके अराउंड रहिए तो हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी रही है, मतलब कंसिस्टेंट रही है, ये कंसिस्टेंट हाँ, रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सफल प्रयास के लिए। लाल साहब आप क्या बताना चाहेंगे? मैं भी जीवन के साथ ही जाऊंगा। जीवन के साथ ही हाँ। जाएंगे, कितना बढ़िया आंसर है ये, कन्हैया कुमार वाला जवाब है। मैं तो उनके साथ ही, इंडिया गठबंधन के साथ। कोई बात नहीं, तो आप जब जे एन यू में एडमिशन लिए, लोग बोलते हैं बी एच यू की फ़ीस बहुत कम है, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जे एन यू की फ़ीस उससे भी कम है, तो क्या है फ़ीस यहाँ पर जे एन यू में जब आपने पहली बार एडमिशन लिया बी ए कोरियन लैंग्वेज में? तो मतलब ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल सारा कुछ, लाइब्रेरी सारा कुछ मिला के 268 रुपये था, और बाकी तो मेस का अलग से लगता है, वो महीने भर का हो जाता है, वो वैरी करता है हॉस्टल टू हॉस्टल। 268 ये बस। कितने मतलब कितने दिन का है ये, 6 महीना, 1 साल? ये एक साल का एक सेमेस्टर का। और यही बी एच यू में 2500 से 3200 रुपये लिए जाते हैं इसके, तो ये बी एच यू का आप डिफरेंस समझ सकते हो। कुछ अंदाजा है बीएचयू के बारे में? जी मैंने भी बीएचयू में रजिस्ट्रेशन किया था, 2500 वहाँ लगा था और यहाँ 268 रुपये में हो गया था। 200 हाँ, कमिटमेंट फीस बहुत ज़्यादा ले रही है बीएचयू, थोड़ा सा उसको कम करना चाहिए इस चीज़ों को ना, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे तबके से आते हैं जो 2500 रुपये भी नहीं अफोर्ड कर सकते, और वो चार जगह सेम 2500 रुपये दे दे करके फंसना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये पैसा जब ले लिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा तो ये आने में 6 से 7 महीना लगता है। वही हम लोगों के बीच बातें हो रहा था कि आप लोग जब देखें ना, कि यही बोल रहा था कि भैया के पास जाते हैं और बोलते हैं कि 2500 रुपये ले लिए, तो अभी भी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है। मतलब अभी लगता है कि रिफंड करने का कुछ ना कुछ हम लोगों ने सोचा था निकालेंगे, इन लोगों ने काउंसलिंग प्रोसेस इतना लेट किया बीएचयू ने। जेएनयू का भी लेट था? नहीं, जेएनयू का तो इस बार टाइम पे सबसे पहले हो गया था, जेएनयू लेट नहीं था, मतलब डीयू के बाद ही जेएनयू का हो गया था। तो ये कोरियन भाषा लेने के लिए दिमाग में कहाँ से आया कि हम कोरियन पढ़ेंगे? 12th आपका किस सब्जेक्ट से था? मेरा तो ह्यूमैनिटीज से ही था। तो कोरियन कैसे, पहले से मन बना हुआ था कि हम कोरियन ही पढ़ेंगे या मिल गया कोरियन? हाँ, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस दिए थे इसीलिए क्योंकि मतलब ट्रेंड भी चल रहा है, और मतलब सीनियर से भी बातचीत किए थे कि इसका जो स्कोप है वो दिन के दिन बढ़ रहा है, लेकिन हाँ तो इसीलिए। और पिछले साल ये इम्पोर्टेंट था कि पिछले साल सबसे ज़्यादा कट ऑफ कोरियन का था, तो इसीलिए इसको कि कुछ तो होगा ही। मतलब सबसे ज़्यादा कट ऑफ कोरियन का गया पिछले साल, इस बार लेकिन कम, इसका कट ऑफ कम हुआ। नहीं, जापानीज का भी अच्छा गया था, जापानीज का भी हाई गया था, एंड चाइनीज का मैं रिजल्ट दिखा था। तो जापानीज का भी, मतलब जापानीज, मैंड्रीन, ये सब भी बहुत ज़्यादा टफेस्ट लैंग्वेज होते हैं, एंड देन जर्मन। आप क्या बताएंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ? मैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था कोरियन ही, तो लेकिन जापानीज और जर्मन हार्ड है, हाँ, इससे भी हार्ड चाइनीज है, सबसे ज़्यादा चाइनीज हार्ड है। हाँ। तो क्लासेस का क्या हाल है यहाँ जे एन यू में, क्लासेस लोग लेते हैं बढ़िया से, प्रोफेसर पढ़ाते हैं? क्लासेस रेगुलर होता है एकदम, प्रोफेसर टाइम पे आते हैं, पढ़ाते भी हैं। मतलब जे एन यू का खूबसूरती है कि एक कैंपस के अंदर ही टीचर हैं, तो हम लोग भी मतलब कहीं भी मिल जाते हैं तो कोई भी कोई बात कर सकता है, हायरार्की कुछ मेंटेन नहीं, मतलब बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। वैसा नहीं कि जैसे स्कूल में होता था कि वो लोग घर में दिमाग है और पढ़ा दिए, अपना सिलेबस ख़त्म कर दिए और चल गए, ऐसा नहीं है। मतलब एक उसमें ही है, मतलब एक जो कनेक्शन है ना, वो एकदम जब से आ गए हैं जे एन यू में तब से, तब मतलब कोटा पूरा नहीं करते जे एन यू के प्रोफेसर, अच्छे से पढ़ाई होती है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये तो करते ही हैं। और ये कोरियन पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्योंकि इस वीडियो को मैं सेंटर्ड कोरियन पे ही बना रहा हूँ, कि कोई 12th से पढ़ करके यहाँ पे आए तो क्या सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कोरियन या फिर कोई भी लैंग्वेज? लेकिन आप कोरियन के हैं तो सिर्फ कोरियन का बताइए। ज़्यादातर बच्चे मतलब कोरियन में आते हैं क्योंकि के ड्रामा, ऑब्वियसली उन लोगों को थोड़ा सहूलियत हो जाता है, लेकिन अगर आप वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, इधर का मतलब स्टडी मटेरियल जो होता है वो सेल्फ लर्न होता है, और जैसे कि पढ़ाया जाता है वो, तो मतलब लैंग्वेज पढ़ाने के लिए ये मतलब हमको
सही लगा, बेस्ट इंस्टीट्यूशन वैसे भी है लैंग्वेज के लिए, मतलब जिस प्रोसेस से पढ़ाया जाता है ओके, तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो हो जाएगा। हॉस्टल आप लोगों को मिला? हाँ, हॉस्टल तो अभी मतलब डॉर्म में रखा गया है, तो अभी धीरे धीरे सबको मिल रहा है। डॉर्म क्या होता है? डॉर्मेटरी मतलब एक आप कह लीजिए कि एक हॉल जैसा घर होता है, उसमें 5-6 बच्चे हर रूम में रहते हैं। अच्छा। और हॉस्टल में एक रूम में 2 ही बच्चे रहते हैं। डबल सीटर हॉस्टल अलॉट होता है। हाँ। ठीक। खाना पीना का व्यवस्था यहाँ बढ़िया है? लाल साहब हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आज क्या किए, नाश्ता वास्ता किए कि नहीं? आज मेरे में चूड़ा और घुगनी था। चूड़ा घुगनी ब्रेड अंडा दूध सब, ये सब नाश्ते में मिल जाता है JNU में। बढ़िया से खाना पीना खाइए, एक ही कैंपस में सीमित रहिए। हमको नहीं लगता कि आपको दिल्ली घूमने की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी, आप लोग कभी नहीं निकलते होगे, कैंपस में ही सुखी परिवार की तरह अंदर ही बसे हुए हो ना। JNU का अपना ही एक मतलब पेस है, मतलब आप बाहर निकलेंगे तो वो भीड़ दौड़ वो क्राउड वो जो मतलब अंदर आके एकदम अलग अलग हो जाता है, बाहर जाके लगता है हम लोग एलियन है, मतलब औकात पता चलता है ऐसा टाइप का हो जाता है। हाँ अंदर तो एकदम मतलब अंदर माहौल बहुत ही अच्छा है। अंदर आपको मतलब रात रात में भी ढाबे खुले मिल जाएंगे, आप हॉस्टल में भी खाना खा सकते हैं, आपको सड़क पे घूमते हुए जंगली जानवर थोड़े बहुत दिख जाएंगे जो प्रतीक दिलाते हैं कि नहीं आप अरावली की पहाड़ियों पे बैठे हुए हैं। तो ये सब सारी खूबियां हैं। तो मतलब लोगों को कोरियन पढ़ना चाहिए, कोरियन प्रॉफिटेबल है, यहाँ से प्लेसमेंट वेसमेंट मिलता है, ग्रेजुएशन के बाद मिल जाता है कि और भी हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं? जीवन बताइए। ज़्यादातर JNU तो मतलब हायर स्टडीज़ के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर आप जॉब करना चाहेंगे तो मतलब इस साल तक क्या था कि इंटीग्रेटेड था, आप BA के बाद MA कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन अगले साल से ये मतलब कहा जा रहा है कि NEP लागू होगा, तो पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अभी आप चाहे तो MA तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप बीच में छोड़ के आप जॉब भी कर सकते हैं। सीनियर से बात कर रहे थे तो वो लोग बता रहे थे कि हाँ हो जाता है प्लेसमेंट वगैरह। अच्छा, कुछ इंटीग्रेटेड अपग्रेडेड कोर्स होता है जो UG और PG एक साथ दाखिला ले लेते हैं लोग, प्लस लेकर के लोग कहीं कहते हैं कि BA MA+ BSc MSc+। आपके लैंग्वेज में भी कुछ प्लस करके व्यवस्था है? हम लोग में भी अभी यही सिचुएशन है, BA+ MA दोनों इंटीग्रेटेड, हम लोग चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब सोचिए कि आपने BA के लिए एनरोलमेंट लिया, आप MA भी यहाँ पढ़ सकते हो, फिर PhD कर लो बाद में चल करके। तो लाइफ में क्या सोचा है यहाँ से? लोग आपने सुना होगा ऐसे एग्जांपल, जैसे मैं 3-4 दिन से आया हूँ तो सुन रहा हूँ कि यहाँ से लैंग्वेज से पढ़े लोग जा रहे हैं दूर दूर, विदेश भी जाते हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ JNU में मिलना आम बात है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब वो तो है, मतलब JNU ऐसा कैंपस है, मतलब आप इधर पढ़ाई को प्रमोट किया जाता है, हर एक सेंटर में आप जाके क्लास ले सकते हैं, लाइब्रेरी इतना 9 माले का है तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं तो सही है, रिसर्च के लिए ही जाना जाता है, और लैंग्वेज से अगर बाहर जाना चाहते हैं उसका भी स्कोप है, स्कॉलरशिप वगैरह काफ़ी बढ़िया आता है, बाकी MSc से मदद मिल जाता है, तो बस मतलब जाते हैं लोग। हाँ, जाते हैं। झूठ तो नहीं बोले लाल साहब? झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिहार के लड़के देख रहे होंगे, 70% लोग JNU में बिहार के हैं, तो और भी लोग तो आएंगे ना, ये सब सारी चीज़ें हैं। हम लोग MSc की तरफ से अभी फिलहाल में POSCO, आज से 3 दिन पहले POSCO डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कोरियन सेंटर में। क्या है ये POSCO? टॉप 7 बच्चे को मिलता है 40,000 रुपये प्रत्येक साल। अच्छा, हर साल 40,000 रुपये? हाँ। तो मतलब 40,000 बस मिलता है, और भी कोई फ़ायदे हैं इसके? तो उसके भी आप पे आप कोरिया जा सकते हैं एक महीना के लिए। जैसे आप मतलब GKS एक स्कॉलरशिप होता है जहाँ मतलब उन लोगों का गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करता है कि उधर जाके आप पढ़िए हायर स्टडीज़ के लिए, फुल फंडेड होता है, तो वो अलग से एम्बेसी स्तर पे भी होता है, यूनिवर्सिटी के स्तर पे भी होता है, लेकिन जब आप GKS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब अगर आपका POSCO मिला हुआ रहता है या आप कल्चरल कुछ एक्टिविटी कर रहे हों तो उसका सहूलियत मिल जाता है। तब हाँ, मतलब ये एग्जिस्ट करता है कि हम बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं, और वो खर्चा कौन उठाता है ये जो विदेश जाने का? शायद एम्बेसी उठाती है। मैसेज उठाती है। तो और भी कुछ बताने लायक है? जैसे मैं एक मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि 3 लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनमें से एक JNU को 3-4 दिन पहले जाना है, और कुछ लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं 12th के बाद। तो आप जैसे लोग जो लाखों लोग मिलियंस लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं CUET UG का और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में इनरोल्ड होना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि किस तरीके से लग जाओ तो ये चीज़ निकल जाएगी और लाइफ सब कुछ सही हो जाएगा, बताओ? देखिए आप मतलब आप क्या बोलें, थोड़ा मुश्किल सवाल हो गया, लेकिन हाँ
कौन सी मतलब आप क्या कह रहे हैं, मतलब जीवन में सफल या एग्जाम में? हाँ, जैसे ट्वेल्थ जो कर रहे हैं उनको आप एक गाइडेंस दो कि किस हिसाब से आपको मेहनत करनी है ताकि आप इस जगह पहुंचोगे तो आपके साथ कैसा होगा, अच्छा होगा लाइफ में ये सब। आप पहले तो ट्वेल्थ में आप जिस स्ट्रीम में है उसका पढ़ाई कर लीजिए, उसके उस पर कंसिस्टेंट रहिए, आपका एग्ज़ाम भी शायद डेट आ चुका है CBSE का, तो फिर बाद में आप मतलब उसमें सीमित रहिए और कंसिस्टेंट रहिए तो ये हो जाएगा। हाँ, आप इन्हीं के साथ जाना चाहेंगे जीवन के साथ? जी, कंसिस्टेंसी एक मेन फैक्टर है किसी सफलता के लिए। सफलता के लिए यही पुरानी लाइन ना। आप लोग लाइफ में सिविल सर्विसेज UPSC जैसी टारगेट को क्या आप लोग ने मद्देनजर रखा है दिमाग में कभी? नहीं अभी तो नहीं सोच रहे उसके लिए, अभी तो इस पे कंसिस्टेंट रहना चाह रहे हैं पहले, फिर बाद में सोचा जाएगा। हाँ, लोग कहते हैं, चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, कैसा लगा बात करें? कुछ गलत तो नहीं पूछा लाल साहब ना? नहीं, कुछ और जो हमें पूछना चाहिए, जैसे फीस के बारे में हमने बात की कि नहीं आया वापस, ऐसे कुछ यहाँ की परेशानी, आपने इतने दिन यहाँ पढ़ाई की, कोई एक परेशानी बता दो इतनी? नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है आपको? नहीं, परेशानी नहीं है, परेशानी उठती हुए तो इतना सारे स्टूडेंट है, सारे मिलके हल करने के लिए मतलब रास्ता निकाल ही लेते हैं। हाँ, यूनिटी की परिभाषा JNU, लोग बोलते हैं कि एक स्टूडेंट के साथ कुछ हुआ तो लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे, तो इसी हिसाब से ये पूरा सब्जेक्ट कोरियन, मतलब इस वीडियो को कोरियन सब्जेक्ट BA पे फोकस किया गया था कि आप यहाँ से BA करोगे, MA करोगे, PhD भी कर सकते हो, तीन तरीके से ये कोर्स काम आता है यहाँ पे, बाहर जाने के क्या क्या रास्ते हैं और कितने नंबर पे आप CUET में एडमिशन ले लोगे और क्या क्या सारी बातें हुई, ये तो ठीक है, नॉर्मल बातें हैं। ये हमारा पहला वीडियो है JNU में और 3-4 दिन से हम आए हुए थे, और भी लोगों से बात करेंगे, कोरियन के भी और लोगों से बात करेंगे ताकि और भी डेटा बाहर निकले, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पहले ही सारी चीज़ें हमें नहीं मिल जाती, हमें और भी डिग करना होता है और हमारा काम ही है। तो आपको लगता है कि कुछ और भी पूछा जा सकता है जो हम आपको डिलीवर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम अभी दिल्ली में है, JNU में है, और DU, UPSC, IIT दिल्ली और हर जगह काम करेंगे। कैमरा मैन से बोल रहा हूँ, कैमरा पीछे रखिए, नहीं तो 50 रुपये काट लिए जाएंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़ा, तब तक ले हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।